is a commercial process that includes production, distribution, sales या delivery of goods and services through electronic means. A है e-commerce, B है SCM, C है EDI की none of these. तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेल्स होता है और डिलीवरी होती है गुड्स एंड सर्विसेज की इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा. तो दैट इज ऑप्शन नंबर पहले का हो जाएगा, दैट इज ई कॉमर्स ऑप्शन नंबर ए. दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस दैट आर क्लोजली लिंक्ड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर. ए है अकाउंटेबल, बी है ट्रांसपेरेंट, सी है कंसाइसनेस, कि डी है कंसिस्टेंस ओरिएंटेड. तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री है कि कंपेयर टू बी टू सी ई कॉमर्स, बी टू बी ई कॉमर्स क्या है, ऑफ इक्वल साइज है, स्लाइटली स्मॉलर है, कि स्लाइटली लार्जर है, कि मच लार्जेस्ट है. तो तीसरे का आंसर हो जाएगा दैट इज योर मच लार्जेस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है कि द टू मेन टाइप ऑफ इंटरनेट बेस्ड बी टू बी कॉमर्स वो क्या है. ए कह रहा है नेट मार्केट प्लेस एंड प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क, कि बी है ईडीआई एंड कोलैबोरेटिव कॉमर्स, कि सी है नेट मार्केट प्लेस एंड कोलैबोरेटिव कॉमर्स, कि ईडी ईडीआई एंड प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क. तो टू मेन टाइप जो है इंटरनेट के बेस्ड बी टू बी कॉमर्स वो क्या है, दैट इज फोर्थ का ऑप्शन, दैट इज योर डी, ईडीआई और प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द फोर मेन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. इसमें से कौन सा है जो कि फोर मेन टाइप्स होते हैं ई कॉमर्स के, बी टू बी, बी टू सी, सी टू बी, की डी ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे ई कॉमर्स के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज जो होता है बिजनेस डॉक्यूमेंट का इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उसे हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं, ई बिजनेस बोलते हैं, ई डी आई बोलते हैं, कि नन ऑफ दीज. तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज और बिजनेस डॉक्यूमेंट जो होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ई डी आई. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन है कि डैश इज बेसिकली ए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बी टू जी, बी टू ई, सी की बी टू सी, की बी टू बी. तो सेवन का आंसर हो जाएगा दैट इज योर सी, बी टू सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट है कि ई डैश ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ द सेल ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज फ्रॉम ए बिजनेस टू द जनरल पब्लिक. ऐसा कौन सा ई कॉमर्स है जिसमें हम प्रोडक्ट या सर्विसेज का सेल करते हैं एक बिजनेस से जनरल पब्लिक तक. ए ऑप्शन कह रहा है बी टू जी, बी है कि बी टू ई, बी टू बी, की सी है, डी है बी टू सी. तो एट का आंसर हो जाएगा दैट इज योर डी, बी टू सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन है, सी टू जी एक तरह का ई गवर्नमेंट, सी टू जी इज अ टाइप ऑफ ई गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या होता है, वॉट डज इट मीन, कम्युनिकेशन टू सिटीजन, बी है सिटीजन टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन, की सी है कम्युनिकेशन टू गवर्नमेंट, की नन ऑफ दी अबव. तो नाइन का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी, सिटीजन टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन है कि कंपनीज जैसे लाइक फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मिंत्रा है, इट बिलोंग टू विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स सेगमेंट. ये जो है फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो मिंत्रा है, ये किस तरह के ई कॉमर्स सेगमेंट है. ए है बी टू बी, सेकेंड कह रहा है बी टू सी, सी कह रहा है पी टू पी, की डी सी टू बी. तो टेंथ का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी, बी टू सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ई कॉमर्स, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक, बी है डूइंग बिजनेस, सी सेल ऑफ गुड्स, की ऑल ऑफ दी अबव. तो इसमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है ई कॉमर्स, तो 11th का आंसर हो जाएगा दैट इज योर डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकस करता है कंज्यूमर डीलिंग विथ ईच अदर. इसमें से कौन सा ई कॉमर्स का टाइप है जो कि कंज्यूमर डील करता है एक दूसरे से, बी टू बी, बी टू सी, सी टू बी, की सी टू सी. तो 12 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर डी, सी टू सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस. इसमें से कौन सा ऐसा मॉडल है जो कि ई गवर्नेंस का पार्ट है, जी टू बी, जी टू सी, बी टू जी, की सी टू जी. तो 13 का आंसर हो जाएगा सी टू जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एस ई टी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, की बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, की सी है सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, की डी नन ऑफ दीज. तो 14 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर सी, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग फॉर ई गवर्नेंस. ए कहता है टू एंगेज, एनेबल एंड एम्पावर द सिटीजन, बी कहता है टू प्रोवाइड और टू प्रोवाइड फेयर एंड अनबायस्ड टू द सिटीजन, की प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्राइव एंड गवर्नेंस, की डी है टू इंश्योर पीपल
फेथ इन ई गवर्नेंस एप्लीकेशन। तो इसमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन जो है अप्रोप्रिएट होता है ई गवर्नेंस के लिए, तो 15 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर ए, एंगेज करना, एनेबल करना और सिटीजन को क्या करना, सख्त बनाना। नेक्स्ट है 16 है, डैश इज एन अर्ली फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, SCM, EDI, बोथ ऑफ दीज की नाइदर ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा है कि अर्ली फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स हैं, तो 16 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर बी, EDI। नेक्स्ट है द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम IT बोलते हैं, टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, उसे क्या कहते हैं, ई बिजनेस, ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई गवर्नेंस की ई मार्केटिंग। तो 17 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर सी, ई गवर्नेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है EDI स्टैंड फॉर ए नॉट यूनिवर्सली अवेलेबल, कि बी है एसेंशियल होते हैं B2B कॉमर्स के लिए, कि सी है ये नॉट रिक्वायर्ड होते हैं फॉर B2B कॉमर्स के लिए, कि स्टिल बीइंग इन्वॉल्व। तो 18 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर बी, इट इज एसेंशियल फॉर B2B कॉमर्स के लिए, ये क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है 19 है द टर्म EFT स्टैंड फॉर एमरजेंसी फंड ट्रांसफर के, इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर के, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसमिशन। तो 19 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर सी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, जस्ट इन टाइम डज नॉट बिलीव इन क्वालिटी, ओवर प्रोडक्शन, ह्यूमन रिलेशन की, ऑल ऑफ द अबव। तो 20 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर बी, ओवर प्रोडक्शन। नेक्स्ट है विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स, इसमें से कौन सा ई कॉमर्स का फंक्शन नहीं है, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग की, नन ऑफ दी अबव। तो इसमें से कौन सा ई कॉमर्स का फंक्शन नहीं है, तो 21 का आंसर हो जाएगा, वेयर हाउसिंग जो है वो ई कॉमर्स का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ई कॉमर्स, इसमें से कौन सा ई कॉमर्स को डिस्क्राइब करता है, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, डूइंग बिजनेस सेल ऑफ गुड्स की, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द फोर मेन टाइप्स फॉर ई कॉमर्स, B2B, B2C, C2B की, ऑल ऑफ दी अबव। तो 23 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर डी, सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, विच सेगमेंट डू eBay, Amazon.com belong, B2BS, B2CS, C2BS की C2CS। तो 24 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर बी, B2CS। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स जो होता है फोकस करता है, कंज्यूमर डील करते हैं एक दूसरे से, B2B, B2C, C2B की C2C। तो 25 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर डी, C2C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, विच सेगमेंट इज eBay ऑन एग्जाम्पल, eBay का एक एग्जाम्पल है, B2B है, C2B है, B2C है, C2C है कि नन ऑफ दी अबव। तो 26 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर डी, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि विच इज द फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स, इसमें से ई कॉमर्स का फंक्शन कौन सा है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, वेयर हाउसिंग है कि ऑल ऑफ दी अबव। तो ई कॉमर्स का इसमें से फंक्शन है, तो 27 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर डी, सारे के सारे हैं। नेक्स्ट है 28 है, द बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल इन B2C ई कॉमर्स वो क्या होते हैं, स्मॉल प्रोडक्ट्स होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट की, फ्रेश प्रोडक्ट। तो बेस्ट प्रोडक्ट को सेल करना इन B2C कॉमर्स, दैट इज योर 28 का आंसर, B2 मींस दैट इज डिजिटल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, विच प्रोडक्ट्स आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी कंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट, बुक्स हैं, PCS, CDS हैं कि ऑल ऑफ दी अबव। तो 29 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर डी, सारे के सारे क्या हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, डिजिटल प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट सूटेड फॉर B2C कॉमर्स बिकॉज दे आर कॉमोडिटी लाइक द प्रोडक्ट्स, की बी है कैन बी मास कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड, की सी है इट कैन बी डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस, की डी ऑल ऑफ दी अबव। तो 30 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन फॉर ऑल बिजनेस नीड्स वो क्या होते हैं, EDI होते हैं, ERP, SCM की नन ऑफ दी अबव। द सॉल्यूशन फॉर ऑल बिजनेस नीड्स इस क्या हो जाएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ERP। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक नहीं सूटेबल होता है B2C ट्रांजेक्शंस के लिए, क्लॉथ्स, फ्लावर्स, एयरलाइन रिजर्वेशन की नन। तो इसमें से कौन सा नहीं पूछा है, तो 32 का आंसर हो जाएगा, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, डैश इज कंसर्न्ड विद द बाइंग एंड सेलिंग इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स,
कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई बिजनेस की नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा है जो कि बाइंग एंड सेलिंग इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो 33 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, डैश अलाउज अ बिजनेस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द बिजनेस एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर ऑफ अनदर कंपनी। ए है EDI, बी है प्रोटोकॉल्स, सी है स्टैंडर्ड, की डी बिजनेस एप्लीकेशंस। तो 34 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर ए EDI। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, EDI की नन ऑफ दीज। तो 35 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर EDI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अमंग द अल्टरनेट मॉडल्स ऑफ B2B ई कॉमर्स डैश इज द बेस्ट मीन्स टू ऑब्टेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस। प्रोसेस बेस्ड, बी है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बेस्ड, की सी है ट्रांजेक्शन बेस्ड, की एनी ऑफ दीज। तो 36 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बेस्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, डैश इज बेसिकली ए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट। तो कौन सा ऐसा ऑनलाइन मार्केटिंग है, B2G, B2E, B2C, B2B। तो 37 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर सी B2C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, डैश ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम अ बिजनेस टू द जनरल पब्लिक। B2G है, B2E है, B2B है, कि B2C है। तो 38 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर डी B2C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, डैश टाइप ऑफ पेमेंट सिस्टम जो होता है हाईली यूजफुल होता है दोज कस्टमर हु वुड लाइक टू बी कंट्रोल ओवर स्पेंडिंग। प्रीपेड, पोस्ट पेड, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो 39 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर प्रीपेड। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है 40, डैश इज एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है विच कैन बी यूज्ड मोर देन वंस टू बोरो मनी या बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड, ई चेक्स, ई कैश, की नन ऑफ दीज। तो 40 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर ए क्रेडिट कार्ड।